किधर जा रहे हैं। और आजकल बड़ी चर्चा चल रही है चौधरी साहब की कि उनका भी थोड़ा मसला कहीं और जुड़ रहा है। देखिए, बीजेपी के साथ राज भर का गठबंधन ब्रजेश जी हो ना हो, लेकिन आज से एक बात साफ हो गई कि संजय निषाद अभी तक दो भाई थे, अब तीन हो गए आज से, क्योंकि उनको एक नए भैया मिल गए। और ठीक बात, हमारे यहाँ इस समय बरसात का मौसम है, ऋतुएं चल रही हैं, रिमझिम बरसात हो रही है, तब धरती की प्यास तो बुझ गई है, लेकिन सियासत में कुछ लोगों का मन मचल रहा है, उसमें आने वाले वक्त में चीज़ें साफ होंगी। अभी जब परसों अमित शाह जी आए थे तो वो अपने साथ जहाज में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली लेकर गए, उसके बाद अगले दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली गए उनसे मिलने। अरे भाई, जब एक दिन पहले लखनऊ में मुलाकात हुई थी तो अगले दिन वहाँ दिल्ली मुलाकात में ऐसी कौन सी बात होनी थी जो दिल्ली उनको जाना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि राजभर को पार्टी में लाने और गठबंधन की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है, और पहले भी वो कई बार इनको गमछमछा पहना चुके हैं, चाय वाय पिलाते रहे हैं। तो ये तो राजनीति, देखिए ब्रजेश जी, वक्त के हिसाब से चलती है, मुर्रा भैंस की तरह है, अगर वक्त आएगा तो गार लियो, जितना पी सकते हो पी लो। ये लोकसभा का चुनाव तमाम सारे नेताओं की किस्मत बदलेगा, तमाम सारे लोगों को आगे ले जाएगा कि नए गठबंधन बनाएगा। राजभर के लिए अनुकूल ये स्थिति है कि वो बीजेपी का कई मुद्दों पर पहले से समर्थन करते आए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जब मतदान का मामला था और उसके बाद सीए का मामला है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में राजभर की उपयोगिता अचानक से बढ़ी है, उसके पीछे रिस्क फैक्टर है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है और वो एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और राजभर की भी अपनी मजबूरियां हैं, जो छोटे दल होते हैं उनको पार्टी चलानी है, ताकत चाहिए, ताकत हमेशा सत्ता से मिलती है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, तो सत्ता में रह के आसपास रहकर ही कुछ करना है जी। आज की तारीख में राजभर से गठबंधन अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी की वो ताकत ही बढ़ाएगा। और लोग जानते हैं कि 16 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी हारी है, उन पर कैसे जीत हासिल की जाए उसके लिए भी उनके यहाँ तैयारी चल रही है। तो बात एक ही आएगी कि देखो राजभर एक ही चीज मांगेंगे कि जितना संजय निषाद को मिला उतने हमको भी मिले, उसमें मंत्री पद के साथ साथ सांसदी के एक टिकट और बेटों का, कार्यकर्ताओं का भी कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए। बहरहाल जी, अब 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर राजभर का प्रभाव माना जाता है, अब वो उस पर कितना हासिल कर लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन सुनिएगा, आज समय कम है कि कल तक ठूठे जो पड़े थे आज उनमें हरियाली है और नई नई शाखाएं निकली, नए अंकुर अब आए हैं, और तुलसी तुलसी सब कहाँ है, तुलसी बन की घास, और भाई कृपा रघुवीर की बन गए तुलसीदास। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और इनपुट हमको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर